सेना और पुलिस के जवान भी नहीं कर पाएंगे फ्री में टोल पार। सभी वाहनों पर जरूरी है फास्ट टैग। NHAI की ओर से गाइडलाइन जारी। अब सेना के जवान आई कार्ड दिखाकर अपने निजी वाहन से टोल बूथ पार नहीं कर पाएंगे। इसके लिए NHAI की ओर से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल वसूल रही कंपनियों को गाइडलाइन भेजी गई है। इसमें कहा गया है कि अगर सेना के जवान ड्यूटी पर है और सरकारी वाहन में है तो उनसे टोल नहीं वसूल किया जाएगा, लेकिन इन वाहनों पर फास्टैग लगवाना होगा। अगर कोई पुलिस या सेना का जवान निजी वाहन से जा रहा है तो उसे टोल चार्ज लिया जाएगा। इस दौरान मकडोली टोल प्लाजा के अधिकारी ने गाइडलाइन को लेकर पूरी जानकारी दी। भारतीय सेना के अंदर जो वाइस चीफ, वाइस एडमिरल एंड सेम केस विद द नेवी, इनकी गाड़ियों को प्रोटोकॉल्स को एग्जम्प्ट इंक्लूड किया है, और स्पेसिफिकली जब फिर सर्विंग पीपल्स के लिए जो आर्मी के पर्सनल्स हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, उनके लिए उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस बनाया है कि ड्यूरिंग देयर ड्यूटीज़ के दौरान, यूनिफॉर्म के दौरान जब वो ट्रैवल करते हैं आर्मी गाड़ीज़ के अंदर या आर्मी ऑथराइज गाड़ीज़ के अंदर, तो उनको इस चीज़ के लिए एग्जम्प्ट किया जाएगा, और उसके लिए सेपरेटली उनको एंटाइटलमेंट होगा NHAI की साइड से फ्री फास्ट टैग, जिसके ऊपर कि वो गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ होगा, जिससे कि जब वो क्रॉस करेंगे टोल प्लाजा के तो ऑटोमेटिकली सेंसर हो जाएगा, एंड दैट इज विल बी अप्रूव्ड बाय द NHAI थ्रू द प्रोसीजर। सेकेंडली, इसी से रिलेटेड है कि जितने भी पर्सनल व्हीकल्स हैं उनके, जब आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी पर्सनल्स या पुलिस पर्सनल्स जब यूनिफॉर्म में अपनी पर्सनल गाड़ी में पर्सनल काम के लिए ट्रेवल करते हैं, तो उनको पहले अपने आई कार्ड या आइडेंटिटी शो करने के बाद उनको एग्जम्प्ट किया जाता था। बट इसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियर स्पेसिफाई कर दिया है कि इस वक्त वो इस चीज़ के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होंगे, और अपनी पर्सनल वाहन है उनके, उसके ऊपर उन्होंने फास्ट ट्रैक जो एज पर द प्रोविजंस और जो NHAI के इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको NHAI से भी ले सकते हैं, ICIC से भी ले सकते हैं, और जो वेरियस जो IHMCL के जो वेंडर्स हैं उनसे उनको खरीद के और अपने जो व्हीकल्स हैं, पर्सनल व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर प्लेस करना पड़ेगा।